उत्तराखंड के सितारगंज के कोतवाली में एकल विद्यालय परिवार की बहनों द्वारा सितारगंज कोतवाली के पुलिस कर्मियों व अधिकारियों संग धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। एकल विद्यालय परिवार के कार्यक्रम से आमजन की सुरक्षा में तैनात जवानों व पुलिस कर्मियों की सुनी कलाइयां मुस्कुरा उठी। सितारगंज कोतवाली में भी रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की एक शाखा एकल विद्यालय अभियान को सक्रिय स्वरूप देने वाली स्वयं सेवी बहनों द्वारा किसी भाई की कलाई सुनी न रहने देने के संकल्प पर कार्य करते हुए रक्षाबंधन के पवित्र पर्व का आयोजन किया गया। एकल विद्यालय अभियान की स्वयं सेवी बहनों का कहना है कि सेना में तैनात जो जवान और पुलिस कर्मी व अधिकारी अवकाश न रहने के कारण अपने घर इस रक्षाबंधन के पावन त्यौहार को मनाने नहीं जा सकते, उनकी भी कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये सभी आमजन की सेवा सुरक्षा में सदैव तैनात रहते हैं, तो इनका भी अधिकार है पवन पर्व रक्षाबंधन को मनाने का। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन से कोतवाली सितारगंज के सभी पुलिस कर्मी वह अधिकारी काफी खुश भी नजर आए और उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए समस्त बहनों से निवेदन किया। कोतवाली में तैनात सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने बहनों को आश्वासन भी दिया कि भविष्य में उनके साथ किसी भी प्रकार की परेशानी में वे अपने भाई होने का धर्म निभाते हुए उनका साथ देंगे। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। विद्यालय परिवार की बहनों द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो अपने घरों में नहीं जा पाते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी यहाँ पर है, आज बाजार में भी ड्यूटियाँ लगी हुई, तो उनको जो है कमी महसूस ना हो। और इस कार्यक्रम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आयोजक हैं। हमारे पुलिसकर्मी अत्यंत हर्षित हैं कि उन लोगों को भी आज उनकी कलाई सुनी गई थी और इस कार्यक्रम के द्वारा जो है उनके हाथ भी आज राखियों के बारे में। आज हमने कोतवाली में आके रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया है। इसमें हमने जो अपने घर भाई जा नहीं सकते उनकी कलाई में राखी बांधी है और ये एकल विद्यालय की एकल अभियान की तरफ से ये पर्व मनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हमारा मात्र संगठन है, उसके जो प्रमुख छह जो उत्सव होते हैं उसमें से एक उत्सव है हमारा रक्षाबंधन। इसमें रक्षा सूत्र जो है हम लोग बांधते हैं और इन बहनों ने जो है एकल विद्यालय के माध्यम से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं यहाँ के सितारगंज शाखा के, ये लोग अपने आवास में अपने घरों में नहीं जा पाते हैं, उनको रक्षा सूत्र बांधा है ताकि इनको भी ये एहसास हो कि हाँ त्यौहार हमारा अपना ही है। अपने त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए हमने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है।